हेलो दोस्तों, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी रीजनिंग की सीरीज चालू है जिसमें आपको डेली एक चैप्टर प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, रीजनिंग का जितने में हमारे टोटल 10 चैप्टर है। इससे पहले हम 1 2 3 4 5 6 7 8 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 9। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है स्पेस विजुलेशन। ठीक है, स्पेस विजुअलाइजेशन। देखिए इसका मतलब क्या है, इसके हम डायरेक्शन पढ़ लेते हैं फिर हम समझते हैं कि इसके हैं जो ये चैप्टर है इसके क्वेश्चन हमें किस तरीके से करने हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 19 तक, मतलब हम आज कितने क्वेश्चन करेंगे, 19 क्वेश्चन करेंगे इस चैप्टर के लिए। ठीक है, देखिए इन द गिविन क्वेश्चन, जो क्वेश्चन दिया है उसमें देयर इज ए क्वेश्चन फिगर, एक क्वेश्चन फिगर रहेगा। ऑब्जर्व द आंसर फिगर, 1 2 3 4, फाइंड आउट द आंसर फिगर विच कैन बी फाउंड फ्रॉम द प्लेस ऑफ फिगर। देखिए आपको मुझे पता समझ में नहीं आया होगा, तो हम एक एग्जाम्पल समझते हैं, उससे आप बेटर तरीके से समझ सकते हैं। देखिए जैसे ये मान लीजिए लेफ्ट साइड में क्या दिया है, क्वेश्चन फिगर है हमारा। ठीक है, ये क्या हमारा क्वेश्चन फिगर, और ये 4 के हमारे आंसर फिगर। ठीक है, आंसर फिगर। तो ये क्वेश्चन फिगर में से आप देखना, जैसे ये क्वेश्चन फिगर है, इसमें ये 3 फिगर दिए हुए हैं अंदर उसके, 1 2 3। अभी तीनों फिगर से कौन सा ऐसा फिगर बन रहा है इससे, वो हमें इसमें मैच करना है। चारों फिगर, चारों ऑप्शन में से जो भी मैच होगा उस पर टिक लगा देंगे, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में जितने भी फिगर रहेंगे उनसे मिलके हमें एक नया फिगर बनाना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अलग अलग पार्ट में ये फिगर पड़े हैं, एक ये है एक ये पार्ट, 3 पार्ट है इसमें। अभी तीनों पार्टों से मिलकर कौन सा फिगर बन सकता है, तो हमें वो ऑब्जर्व करना है, उस पर टिक लगाना है। तो ठीक है, आपको समझ में आ गया कि क्वेश्चन फिगर में क्या रहेगा, क्वेश्चन फिगर में दो शेप रहेंगे अंदर। ठीक है, क्वेश्चन फिगर में अलग अलग टाइप के 2 3 शेप रहेंगे, उन शेपों को हमें ज्वाइंट करके एक फिगर बनाना है। ठीक है, जो ये शेप दिए हुए अंदर, इनसे मिलके कौन सा फिगर बन सकता है, वो हमें किसमें ढूंढना है, इन क्वेश्चन फिगरों में। तो यही क्या थी इसकी डायरेक्शन थी। तो हम क्वेश्चन समझते हैं। ठीक है, देखिए देखिए यहाँ पे कितने शेप दिए हुए हैं, एक ये शेप है, एक ये वाला शेप और एक ये वाला शेप दिए हुए हैं। अब इन तीनों शेपों से मिलके कौन सा नया फिगर बन सकता है, वो हमें इन क्वेश्चन फिगरों में देखना, सॉरी आंसर फिगरों में देखना है और टिक लगाना है। देखिए ये फिगर है, तो इसमें देखिए तीनों फिगर हैं क्या इसमें, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि तीनों शेप है कि नहीं इसमें। देखिए ये वाला ये नहीं है इसमें, ये वाला शेप ये हो सकता है इसमें, ये वाला नहीं, तो ये तो हो नहीं सकता हमारा, सीधी बात है। अब देखते हैं ये वाला शेप, ये तीनों शेप इस फिगर में है कि नहीं। तो देखिए ये वाला जो शेप है वो है इसमें, बस इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी, ऊपर नीचे करके इसे यहाँ पे लगा दिया है, तो ये वाला शेप भी है इसमें। फिर देखते हैं ये वाला शेप है कि नहीं, देखिए ये वाला शेप भी है इधर, ये वाला देखिए इसकी डायरेक्शन देखिए, इधर सीधे साइड है ऐसे में, ये किधर हो गया, इस टाइप में, इस टाइप में हो गया। ठीक है, ये तो ये भी है। फिर ये वाला देखिए ये शेप है कि नहीं इसमें, तो देखिए ये ऊपर है ये वाला, इसको उल्टा कर दीजिए ऐसा करके, तो ये पूरा ये रहेगा, सीधी सी बात है, ये वाला बिल्कुल मैच हो रहा है, मतलब इन तीनों शेप से मिलके कौन सा फिगर बन रहा है, ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला। ठीक है, तो इसी पे हमें टिक लगा देना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इसमें 3 शेप दिए हुए हैं, एक ये वाला, एक ये और एक ये, इनसे मिलके कौन सा शेप बन रहा है हमें इसमें वो देखना है। तो देखिए ये वाला जो ये शेप है पहला, ये है इसमें है ये वाला, ये शेप देखिए ये भी है इसमें, ये वाला देखिए शेप जो ये है ना, ये शेप वो यहाँ पे लगा दिया उन्होंने, तो मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही है हमारे आंसर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। देखिए तीनों से एक ये शेप दिया हुआ है, एक ये वाला और एक ये वाला, अब तीनों से मिलकर कौन सा शेप बन रहा है। देखिए पहला वाला लेते हैं, ये है जो शेप है वो ये हो सकता है, ये वाला यहाँ पे, ये वाला, तीनों मिलकर एक नया, इन तीनों शेपों को मिलाकर एक नया फिगर बनाना है हमें, तो ये इससे ये बन गया, इन दोनों से ये बन गया, मतलब ये वाला फिगर ये हमारा क्या होगा, बिल्कुल कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो हमें देखने से हमें पता चलेगा कि इन तीनों से मिलके यही बन सकता है। जैसे ये देखेंगे तो इनमें कुछ मैच ही नहीं हो रहा, तो ये भी नहीं हो सकता, ये देखिए ये तो अलग ही टाइप का फिगर बना हुआ है, इसमें कुछ चीजें नहीं है,
ये भी नहीं है, ये भी अलग है, तो ये भी नहीं होगा। तो कौन सा होगा इसमें? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट लगा लीजिए आप सभी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए, इन तीनों से मिलके कौन सा फिगर बन रहा है, इन तीनों शेपों से मिलके। ठीक है, देखिए पहला वाला इनमें है क्या ये शेप? देखिए ये वाला ये हो सकता है, ये वाला ये, मतलब ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी देखेंगे तो ये भी मैच नहीं खा रहा हमारा। लेकिन जो फोर्थ वाला है, अब देखिए लास्ट तो यही बचा, तो सीधी सी बात यही होगा, तो ये वाला शेप कहाँ चला जाएगा? ये हो गया, ये वाला शेप इधर हो गया हमारा, और ये लास्ट वाला इधर जो ज्वाइंट हो गया। ठीक है, मतलब तीनों से मिलके ये शेप बन रहा है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या है? देखिए ये इन तीनों से मिलके एक नया फिगर बनाना है। ठीक है, तो ये पहला वाला, पहले वाले में कितने सारे फिगर हैं ये, तो मतलब ये भी नहीं हो सकता। सेकंड वाला, देखिए सेकंड वाला, देखिए ये जो है अंदर का ये स्क्वायर, तो ये है इधर ज्वाइंट हो गया, ये दोनों है, तो एक इस साइड और एक इस साइड, मतलब इन तीनों सभी से मिलके ये हमारा बन सकता है। ठीक है, मतलब बनेगा, तो ये क्या होगा हमारा आंसर होगा। ठीक है, देखिए ये वाला तो बनेगा नहीं, ये वाला देखिए, ये तो चलो ठीक है, ये दोनों मिल जाएंगे यहाँ पे, लेकिन जो बीच का सेब है उसमें ये वाली लाइन तो है नहीं है, तो ये भी नहीं होगा हमारा। तो इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर टू इसका आंसर लगा लीजिए। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन नंबर टू पे आप आंसर लगा लीजिए। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। देखिए अब इससे मिलके कौन सा फिगर बन रहा है, इन तीनों से मिलके, एक ये स्क्वायर, ये ट्राइंगल और इससे मिलके। देखिए आप पहला वाला देखिए, चलो ये तो यहाँ पे आ गया, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो ये नहीं होगा। ठीक है, देखिए इन दोनों को देखेंगे, सेकंड वाला देखिए आप ऑप्शन, तो ये वाला है जो यहाँ पे है, ये इधर आएगा और ये इधर, मतलब ये वाला ही हमारा क्या होगा, परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कैसा? परफेक्ट, बिल्कुल सेम आंसर ये हो जाएगा हमारा। ओके, तो इसका आप ऑप्शन नंबर टू टिक कर लीजिए, क्योंकि इन तीनों से मिल के ये वाला फिगर हमारा अच्छे से बन रहा है। ठीक है, हमें ये शेप देखने हैं, और देखिए हम करना क्या, क्वेश्चन से पहले हमने क्वेश्चन फिगर को देखा, फिर क्वेश्चन फिगर में देखने कौन कौन से शेप दिए हुए हैं, फिर उन शेपों को देखकर हमें ऑब्जर्व करना है कि आंसर फिगर में देखिए इनसे मिलके कौन सा फिगर बन सकता है चार ऑप्शन में से, उस पर हमें टिक कर देना है। तो ऑब्जर्वेशन का ज्यादा इसमें खेल है। ठीक है, हमें ऑब्जर्व करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, तो देखिए इसमें कितने शेप दिए हैं ट्राइंगल के, एक ये वाला, एक ये, और इनका शेप भी याद रखना बिल्कुल सेम होना चाहिए। देखिए पहला वाला ऑप्शन देखते हैं, चलो ये यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, और ये इधर जाएगा, मतलब इसी में हमारा पहले वाला हमारा क्या जाएगा, आंसर हो जाएगा। इन चारों से मिलके ये वाला ऑप्शन हमारा अच्छे से बन जाएगा, तो मतलब ये क्या है, इसका आंसर है। ठीक है, तो आपको इसमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन फिगर को अच्छे से देखो, फिर उसमें जो भी शेप रहेंगे उनको देखा आपने अच्छे से, फिर शेपों से मिलकर ऑब्जर्व करना है कि इनसे कौन सा फिगर बन सकता है, और उन फिगर को आपको जो देखिए चार दिए ना, 1 2 3 4, इनमें देखना है कि इनमें से कौन सा फिगर इन शेप इससे इन शेपों से बन सकता है। ठीक है, क्वेश्चन के शेपों से कौन सा फिगर बन सकता है, वो हमें ऑब्जर्व करना है आंसर फिगर में देख के। ठीक है, तो चलिए हमने हमारे अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, देखिए पेन भी चेंज कर लेते हैं ग्रीन। ठीक है, अब इन चारों शेप से मिलके कौन सा फिगर हम बना सकते हैं, तो ऑब्जर्व कीजिए आप, तो इन चारों फिगरों में हम देखते हैं कि इससे कौन सा शेप बन सकता है। ठीक है, तो देखिए इन चार शेप, एक ये इधर आ गया, ये वाला इधर मान लीजिए इधर आ गया, ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, फिर भी ये दो बज गया है, तो ये भी नहीं हो सकता हमारा। इनको मिला के देखिए, तो ये शेप ही अलग कुछ दिख रहे हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। देखिए इसमें तो क्या, एक स्क्वायर दिया बीच में, इस टाइप का डब्बा दिया है, तो ऐसा तो हमारे पास है ही नहीं है, तो मतलब ये भी नहीं बन सकता। जब पहला नहीं बन सकता, दूसरा नहीं बन सकता, तीसरा नहीं बन सकता, लास्ट ऑप्शन कौन था हमारे पास? फोर्थ। तो सीधी सी बात है, हम इस पे आंख बंद करके भी टिक लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए इन चारों से मिलकर कौन सा फिगर बनेगा? फोर्थ वाला। ठीक है, फोर्थ वाले बनेगा ना इस चारों से मिलकर, क्योंकि तीन जो हमारे
तो वो तो बने नहीं, तो सीधी सी बात है लास्ट का जो ऑप्शन है वही हमारा आंसर होगा, और वो भी कैसे बनेगा, ठीक है ऐसे बनेगा वो। अब देखिए इन चारों फिगर शेप से मिलके कौन सा फिगर बनता है, ठीक है। तो देखिए ये तो बन ही सकता क्योंकि इसमें दो सर्कल दिए हुए और हमारे पास एक ही सर्कल है, तो ये तो बन ही नहीं सकता, ठीक है। अब देखिए सेकंड वाला, हमारे पास दो ट्राइंगल है, इसमें भी दो ट्राइंगल है ऊपर नीचे के, ठीक है एक सर्कल है हमारे पास सर्कल है, उसके अंदर ये क्रॉस टाइप का निशान दिया हुआ है, देखिए सर्कल बना दिया उसके अंदर क्रॉस दे दिया, तो मतलब ये वाला फिगर क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें भी हमारे पास क्या रहेंगे, इसमें ट्राइंगल नहीं तो ये भी नहीं सकता, इसमें सर्कल सर्कल दिए हुए तो ये भी नहीं सकता, सीधी सी बात है कि दूसरा वाला हमारे को परफेक्ट बन रहा है, हमारे चारों स्टेप से मिलके कौन सा फिगर बन रहा है सेकेंड ऑप्शन वाला, ठीक है। देखिए आप देख भी सकते हैं कि पहला वाला बना नहीं, तीसरा बन नहीं रहा, फोर्थ बन नहीं रहा, दूसरा हमारा परफेक्ट बन रहा है, तो इसे भी क्या कर देंगे हम टिक कर देंगे, ठीक है। तो इसका आप आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर सेकेंड, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हुए अगले क्वेश्चन अब चलते हैं। देखिए अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, देखिए नंबरिंग आप खुद कर लीजिएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड वो मैं नंबरिंग नहीं करते जा रहा हूँ, नेक्स्ट नेक्स्ट करके क्वेश्चन करते जा रहा हूँ। देखिए हमारा पर्पज क्वेश्चन करवाना, हम नंबरिंग 10 करवा दें 20 करवा दें, नंबरिंग से क्या होता है, क्वेश्चन करवाते जाइए आप तो ज़्यादा से ज़्यादा जितने हो सके, ठीक है। तो नंबरिंग में नहीं करता, देखिए एक ये शेप दिया हुआ है इसमें, एक ये वाला शेप और एक ये शेप, मतलब तीन शेप है हमारे पास, इनसे मिलके कौन सा फिगर बन सकता है। तो देखिए पहला वाला ऑप्शन, इस वाले फिगर ये वाला फिगर ठीक है, इससे ये बन गया ये वाला, इसको हमने यहाँ पे कर लिया इसको डायरेक्शन चेंज करके, पर ये वाला फिगर उसको यहाँ पे कर दिया इसकी डायरेक्शन चेंज करके, मतलब इन तीनों शेप से मिलके हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला फिगर बन सकता है, ठीक है। देखिए इस वाले से ये यहाँ पे आ गया, जो ये वाला फिगर है उसको हमने यहाँ पे कर दिया, इससे ये बन गया, मतलब इन तीनों स्टेप से मिलके ये वाला फिगर बन सकता है हमारा, तो इसी के लगा देंगे हम आंसर लगा देंगे, ठीक है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन अब चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में हमारे पास कितने शेप हैं, एक ये शेप और एक ये शेप, ठीक है। तो इन तीनों शेप से मिलकर क्या बनाना है, हमें एक फिगर बनाना है, ठीक है। देखिए ये वाला शेप वो हमने यहाँ पे कर दिया, इसको डायरेक्शन चेंज करके उल्टा करके ये यहाँ पे आ गया और ये इसको ऊपर आ गया, मतलब पहले वाले हमारे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, पहले में हमारा मिल गया, ठीक है। देखिए दूसरा देखेंगे तो ये तो उल्टा करके यहाँ पे आ गया, ये इसको यहाँ पे आ गया, लेकिन जो ट्राइंगल है इसमें ये 90 डिग्री का है, इसमें अलग है, ये देखिए दोनों ट्राइंगल बिल्कुल अलग है, ठीक है। इसमें हमारे पास दो ट्राइंगल है, इसमें एक ट्राइंगल, मतलब ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। इसमें भी देखिए ट्राइंगल उसका शेप थोड़ा अलग है, तो ये भी नहीं हो सकता, सीधी सी बात है कौन सा बन रहा है हमारा इन तीनों फिगर से मिलके, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला बन रहा है, तो इसी पे क्या कर देंगे हम टिक लगा देंगे, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए इसमें कितने टाइप के शेप हैं, एक ये एक ये एक ये, मतलब टोटल चार शेप हैं, इनसे मिलके हमें क्या बनाना, फिगर बनाना है। देखिए इसमें हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर भी है, देखिए पहले वाले में तो इस टाइप का गोला है ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा, इसमें भी गोला नहीं है, तो सीधी सी बात है ये भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं है ये वाला, तो ये भी नहीं होगा, तो मतलब हमने एक शेप से पता लगा लिया कि हमारा आंसर कौन सा होगा, ठीक है। बहुत से क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि हम कुछ चीज़ों से देख के पता लगा सकते हैं कि कौन सा शेप है, देखिए ऐसे पता था हमारा इस टाइप का एक ऐसा शेप है हमारे पास, तो आंसर फिगर में भी ऐसा होना चाहिए। देखिए पहला वाला ऑप्शन देखा उसमें ऐसा था ही नहीं, दूसरे में भी नहीं था, फोर्थ देखा उसमें भी नहीं था, तीसरे वाले में है ना, हाँ ये क्या होगा हमारा आंसर होगा, तो इसी भी क्या कर लीजिए आप टिक लगा दिए। नहीं कुछ कुछ जो क्वेश्चन रहते हैं उनको हम डायरेक्ट बहुत जल्दी कर सकते हैं क्योंकि हमें टाइम भी तो बचाना है, ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास अनलिमिटेड टाइम है, लिमिटेड टाइम ही रहता है पेपर में, ठीक है। तो उन्हीं टाइम के अंदर हमें क्वेश्चन करने रहते हैं, तो हमें स्पीड भी बढ़ानी पड़ेगी, तो ऐसे कर करके हम क्वेश्चनों को जल्दी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं, देखिए अगले क्वेश्चन, एक दो तीन चार शेप है इस टाइप के, तो इनसे मिलके हमें क्या बनाना है, फिगर बनाना है, ठीक है। देखिए ये शेप है, चलो ये हमने यहाँ पे लगा दिया मान लीजिए, लेकिन ये वाला शेप इसमें कहीं दिख रहा है क्या, इधर इधर नहीं दिख रहा, तो ये नहीं होगा। अब देखिए ये वाला शेप कहाँ दिख रहा है इसमें, ये है इसमें, ये वाला शेप इधर लगा दिया, ये वाला शेप यहाँ पे लगा दिया और ये इधर लगा लिया डायरेक्शन चेंज करके, मतलब
सेकंड वाला जो ऑप्शन है इसका फिगर हम बना सकते हैं इन चारों स्टेप से मिल गया। ठीक है, क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन में से कौन सा फिगर बन सकता है, ऑप्शन नंबर टू वाला, तो इसी पे क्या कर देंगे हम, टिक कर देंगे। ठीक है, तो ये अब कुछ हमारे चार पांच क्वेश्चन और बचे हैं, हम उनको कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं उन क्वेश्चनों पे। देखिए अब हमारे दो तीन चार क्वेश्चन और बचे हैं, हम उनको कर लेते हैं। ठीक है, देखिए इसमें हमारे पास कितने सेप है, एक ये है, ठीक है, एक ये वाला सेप है, एक ये क्रॉस टाइप का, एक लाइन है और एक ये सेप है। तो मतलब इन चारों सेप से मिलकर हमें एक फिगर बनाना है। ठीक है, तो देखिए पहला वाला ऑप्शन में देखते हैं हम, तो इसमें क्या है, ये दो ट्राइंगल दिए हुए इस टाइप से, तो दो तो हमारे पास है ही नहीं, सीधी बात है डायरेक्ट होगा ही नहीं ये। अब देखते हैं इससे, तो ये इस वाले से ये बन गया। ठीक, ठीक है, इस वाले से ये यहाँ पे बन गया। ठीक है, ये शेप इतना बन गया, तो ये वाली लाइन है वो हमने इधर पे खींच दी। ठीक है, इधर पे, और बीच में क्या लगा दिया, क्रॉस लगा दिया ये वाला यहाँ पे, तो मतलब ये हो जाएगा। देखिए ये क्यों नहीं होंगे, इसमें हमारे पास दो बड़े बड़े लाइनें हैं और एक क्रॉस है, ये तो है ही नहीं ये वाला दो शेप, तो ये तो वैसे ही नहीं होगा, ये वाला शेप भी नहीं होगा हमारे पास। ठीक है, तो ये कौन सा क्वेश्चन सॉल्व, मतलब पहला वाला नहीं होगा सॉरी, क्योंकि इसमें देखिए दूसरा वाला, देखिए इसमें भी क्या है, ठीक है, दूसरा वाला इसका आंसर होगा सॉरी। ठीक है, दूसरा वाला क्या होगा, इसका आंसर होगा, तीसरा भी नहीं होगा, चौथा भी नहीं होगा और पहला भी नहीं होगा, इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए इसमें कितने शेप है हमारे पास, एक ही ट्राइंगल दिया हुआ है, एक ये वाला शेप है, एक ये है और एक ये वाला शेप दिया हुआ है। देखिए इससे मिलके कौन सा फिगर जनरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो देखिए पहला वाला शेप देखते हैं हम, तो इस वाले शेप से ये इधर आ गया, ये वाला शेप, जो ये वाला शेप है वो यहाँ पे आ जाएगा, ये ट्राइंगल यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा, मतलब ये चारों फिगर हमारे क्या हो रहे हैं, मतलब चारों शेप मैच हो रहे हैं फिगर से, तो ये हो सकता है, हम इसे टिक लगा लेते हैं। ठीक है, फिर इस पे ऑब्जर्व करते हैं, देखिए इसमें जो ये वाला ट्राइंगल है ये से मैच खा रहा है कि नहीं, ये भी नहीं होगा, इसमें हमारे पास ये भी नहीं हो रहा मैच, इसमें भी हमारे पास क्या नहीं है, ये वाला शेप तो है ही नहीं इसमें, तो ये भी नहीं हो सकता, जब 4 3 2 नहीं हो सकता, तो अब सीधी सी बात है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा, आंसर होगा, इस पे आप टिक लगा लीजिए। अब चलते हैं बढ़ते हुए अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, कितने हमारे दो क्वेश्चन और बचे हैं, इनको कर लेते हैं हम। ठीक है, उसके बाद हमारा ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। देखिए एक सेप, दो सेप, थ्री सेप, फोर सेप, मतलब फोर सेप से मिलकर हमें एक फिगर बनाना है। देखिए पहला वाला ऑप्शन देखेंगे, इसमें ये वाली लाइन तो है ही नहीं, तो ये नहीं हो सकता, इसमें भी नहीं है वो वाली लाइन, ये भी नहीं सकता। देखिए इसमें ये जो कि ये वाला शेप, ये वाला शेप वो यहाँ पे आ गए, ये वाला इसको उल्टा करके यहाँ पे लगा दिया, इसको, ठीक है, इसको यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थ्री क्या बिल्कुल सेम हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल इन फिगर से मिलके आसानी से बन सकता है ये वाला फिगर। ठीक है, यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक है, इसमें देखेंगे तो इसमें दो ट्राइंगल दिए हो, तो ऐसा हमारे पास कुछ सेव ही नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, जब पहला दूसरा फोर्थ मैच नहीं हो रहा, तो ऑप्शन लास्ट ही वाला मैच होगा, वही हमने मैच करके ही बता दिया, इसलिए आप टिक लगा लीजिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर लास्ट, देखिए इसमें एक ये ठीक है, देखिए ये तीन सेप दिए हुए हैं ये, तो इनसे मिलकर कौन सेप बन सकता है, देखिए इसमें तो ये दो हैं, दो तो हमारे पास ये नहीं है ऐसे, देखिए इनसे मिलकर ये बन जाएगा आराम से, ये वाला सेप यहाँ पे आ गया, वो ये दोनों यहाँ आ गए, मतलब ये हमारा परफेक्टली आंसर होगा। ठीक है, तो इस पर क्या कर देंगे हम, टिक कर देंगे। ठीक है, तो आज के जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं आप इनको अच्छे से रिपीट कीजिए, ठीक है, लिख लीजिए और इनको बार बार रिविजन कीजिए। ठीक है, क्योंकि रीजनिंग ऐसी चीज़ है, जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपको आएगी। ठीक है, प्रैक्टिस का खेल है रीजनिंग, इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट तो रहते नहीं है,
जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते जाते हैं आपको क्वेश्चन आते जाते हैं, तो पूरा प्रैक्टिस का खेल है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है? तो आप ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए। अब हम नेक्स्ट चैप्टर 10th चैप्टर में आप सभी का से मिलेंगे, ठीक है? तो आज का चैप्टर हम यहीं पे क्लोज करते हैं। तो आप सभी को वीडियो कैसी लगी आप लाइक करके ज़रूर बताइए, और वीडियो पसंद आई तो दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। और हमारी वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।